तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला ट्रिक्स के बारे में। जी हाँ, फॉर्मूला मतलब कि ऐसे चीजों पे अप्लाई करना जो होपलेस हो जाए, मतलब कि जिसका कुछ दिखे ही नहीं, कैसे ट्रिक्स अप्लाई करें। तो बेसिकली हम आपके साथ एक चीज डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास अगर डेटा अरेंज फॉर्मेट में ना है, जैसे कि आपने किसी बैंक का स्टेटमेंट किया है या किसी तरह से कोई पीडीएफ वगैरह कन्वर्ट किया है, वो उस सही अरेंज फॉर्मेट में नहीं है, बट उसको डेटा फॉर्मेट में लाना है और आप इसके लिए वीवीए इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वीवीए इस्तेमाल ना करने के पीछे बहुत रीजन है, हाउ कैन। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ट्रिकी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हिला देने वाली है। मैं फाइल अभी आपके सामने डाउनलोड करता हूं। आपके सामने फाइल है, दिख रहा है फाइल? तो बेसिकली इसमें जो डेटा है वो डेटा इस तरह से हमें आया हुआ है, इस तरह से डेटा है। नेम, प्रोडक्ट, सेल, डेबिट है, क्रेडिट है, मतलब कि रिटर्न है या फिर सेल्स है, मतलब सेल्स है। दिख रहा है सर? सुरेंद्र जी, प्रवीण सर, यस जी सर, जी सर। अब इसको मुझे एक अरेंज फॉर्मेट में लाना है और इसमें जैसे कि बीच में और भी चीजें हो सकती है, समझे, बट इसमें एक ही मुझे लेके आना है। इसमें बीच में ऑब्वियसली यहाँ पे देख रहे हैं और भी चीजें यहाँ पे दी हुई है, दिख रहा है सर? बट मुझे क्या लाना है, नेम नीचे का जो नेम है, प्रोडक्ट है, और एच और आई कॉलन में जो आपका आपका कॉल ये है, डेबिट एंड क्रेडिट है, वो लेके आना है यहां, इस यहां पे। मैनुअली एक एक करके कॉपी करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, क्या सर? जी सर, क्योंकि ये हजारों की संख्या में हो सकता है या लाखों की संख्या में हो सकता है और ये बार बार आता है। तो इस डेटा में बस एक ही कॉमन सी बात है कि कॉलन ए में हमारा नेम है, बात समझे? और दूसरी इसमें खासियत ये है कि नेम के नीचे वाला उठाना है, बस दो जो पॉइंट है इसमें जो है सीक्वेंस है, बाकी किसी का सीक्वेंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहां सीरियल नंबर डिजाइन करता हूं, मैं चाहता हूं उतना ही सीरियल नंबर जनरेट हो जितना कि इसमें नेम हो। तो जाहिर सी बात है मैं नेम यहां दूंगा और यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट इफ का, काउंट इफ, इसको सिलेक्ट किया और हम नेम को काउंट कर लेते हैं। आ गया टेन सर? देन मैं यहां पे देता हूं कि इफ इक्वल, इफ अगर ऊपर में प्लस वन करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो क्या हो, ब्लैंक, ऊपर वाली ब्लैंक आ जाए, नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन हो जाए, प्लस वन बताया था इसमें, yes, yes. इसमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा और पड़ेगा इफ एरर, क्योंकि एरर आ सकते हैं नीचे में जहां पे नंबर खत्म हो जाएगा, क्या? यस सर, यस। मैं इसको नीचे की तरफ एक संभावित ले लीजिए कि हाँ 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 आपके पास होंगे, हो सकते हैं, एक संभावित आप ले लीजिए, यहां पे नीचे तक ड्रैग कर। अब क्या करना, अब आपको एक कॉलन ऐड करना होगा और आपको याद है मैंने आपको बताया था वी लुकअप लिस्टिंग मेथड में काउंट इफ का सेम मेथड मैंने बताया था, याद होगा? यस यस, वही मेथड यहां लगेगा। आप बोले सर वो मेथड यहाँ B5 से B5 फिर B5, इसमें हम जो है कॉन्ट्रास्ट करते हैं डैश के साथ नेम, हम इसको नीचे तक ट्रैक करते हैं, जहां तक डेटा है वहां तक ट्रैक करते हैं। ओके, आप यहां देखेंगे कि वन नेम, टू नेम, थ्री नेम, फोर नेम आ गया ना, फाइव नेम,
मुझे यहां पे फॉर्मूला लगाना है किसका, मैच का, मैच फॉर्मूला लगाना है। इसको सिलेक्ट करता हूं और इसके साथ में डैश, इसके साथ में अपना नेम को लेता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं कॉमा जीरो। ये बता दिया कि कितने नंबर कॉलम में, तो पांचवें नंबर कॉलम में। इंडेक्स लगाइए तो इसमें प्लस वन कर दीजिए, ऑफसेट लगाइए तो इसमें प्लस वन करने की जरूरत नहीं है। कि पांचवा नंबर रो कॉमा पहला नंबर कॉलम। आ गया सर पूजा? यस। अब इसको नीचे ड्रैग करना है तो जो आपका N2 है उसको फ्रीज कर दीजिए और A1 को भी फ्रीज कर दीजिए और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। इसमें एरर आने के चांसेस हैं क्योंकि नीचे जब खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे इसके लिए सर? इफ एरर। तो फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है समझ में आया कि नहीं सर आपको? जी सर। और इसको हम यहां से कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट करते हैं और यहां कॉलम नंबर हो जाएगा टू। टू यहां पे कॉलम नंबर हो जाएगा थ्री। थ्री हुआ सर, थ्री दे हुआ, फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एट हो गया और इसमें फॉर्मूला पेस्ट करते हैं और यह आएगा नाइन। अरेंज सर, जी सर, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एक ऐप यूजर है उनका क्वेश्चन है, उनके पास इस तरह की स्टेटमेंट आया करती थी सर और उनको मैनुअली कॉपी पेस्ट करना पड़ जाता था। वो बोलते थे कि मुझे महीने में एक तारीख को ये स्टेटमेंट मिलती थी, मुझे एक तारीख से दस या बारह तारीख तक मुझे इस तरह से कॉपी पेस्ट करना पड़ जाता था। बात समझे? जी सर। तो मैंने यहां पे एक अपना आया और इसको मैंने कर लिया। क्लियर है? जी सर। सुनील जी गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? सुनील जी कॉल क्यों उठा रहे? सुधीर सर ने कब से आपको कॉल कर रहे थे? नहीं इसका कॉल लग ही रहा था सर। सर आप बोल रहे थे ना कि कॉल किया था। हाँ अमदा वचन का टोन आता था और फिर वापस टू 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 हो रहा था। अच्छा, मैं मैसेज कर दिया था इनको। ओके सुनील जी। यस सर। मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ, हम लेट आए हैं, वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमें क्या था कि हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ, नेम डेबिट क्रेडिट और इसका कोई सिक्वेंस नहीं है, बस ऊपर नीचे हो सकता है, बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हमें डेटा इस तरह से इसमें से निकालना था, समझे? हेलो। यस सर। यस सर। इसमें से डेटा हमें इस तरह से निकालना था यहाँ, और डेटा निकाल के इसका यहाँ पे नेम और मोबाइल नंबर सिटी वगैरह डालना था। अब इसी तरह का एक डेटा और है, मैं बेसिकली मेरा ऐप बना है ना सर, फिर आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, मैंने आपने हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सर। तो उस ऐप में एक प्रॉब्लम होती है, एक मेरी प्रॉब्लम है सर, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसी तरह की प्रॉब्लम है जो मैंने प्रॉब्लम दिया है, जैसे एक बताता हूं, जैसे कि मेरे पास मैं डाउनलोड में जाता हूं तो ये यहाँ पे मेरे सारे डाउनलोडर्स हैं, दिख रहा है आपको सर? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि मुझे चाहिए होता है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, मैंने कुछ कॉपी कर लिया
अब कुछ कॉपी करके मैं यहां पे जैसे ही पेस्ट करूंगा अपने एक्सेल सीट पे, एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। इस तरह का आ रहा है सर, दिख रहा है सर, और इसमें फोटो वगैरह भी आ रहा है बहुत सारे, ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, चेकबुक वगैरह आ रहा है ना। इस तरह की चीजें ना आए उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको नोट पैड पे, मतलब जब इंटरनेट से डेटा को आप कॉपी करते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे इमेजेस आ सकते हैं, उस इमेजेस को हटाना है तो क्या कीजिएगा, उसको कॉपी कीजिए और उसको पेस्ट कर दीजिए इस पे वर्ड, इस पे एमएस वर्ड पे, सॉरी नोट पैड पे, माफ कीजिएगा, फिर वहां नोट पैड पे डेटा लीजिए एंड कॉपी कीजिए। मेरे पास इस तरह का डेटा आया हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं एमएस मोहन सिंह नंबर डेट वगैरह, फिर एके मोहन सिंह डेट वगैरह, दिख रहा है सर। अब इस तरह का डेटा आया, अब मुझे इसमें से मेरा मोबाइल में यहां पे नेम, मोबाइल नंबर और डाउनलोड डेट मुझे अलग करना है, तो मुझे अगर देखा जाए तो मुझे मैनुअली इस तरह से करना होगा ना सर। समझ गए, काफी टाइम लगेगा सर क्या? जी सर। कैसे करें, इसमें मैं देख पा रहा हूं कि मोबाइल नंबर मेरा 12 डिजिट का है। आप बोलेंगे सर 10 डिजिट का होता आपका 12 डिजिट कैसे हो गया, बेसिकली प्लस 2 लगा हुआ है, प्लस 9-1 लगा हुआ है। तो मेरे पास एक यूनिक यही है कि जहां मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है उससे ऊपर वाला जो जो है हमारा मोहन जो नेम नेम। अब यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि हो सकता है अगर हम डिजिट के हिसाब से देखें तो डेट पे, अब डेट का डिजिट देखता हूं मैं, 14 है, चलो कोई बात नहीं, डेट 14 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नेम, कोई कोई नेम भी तो 10 डिजिट का हो सकता है, नहीं समझो लंबा है लेकिन हाँ। भी तो हो हाँ। सकता है, मतलब 12 डिजिट तो हो सकता है ना। हाँ क्या, तो डिजिट पे हम हमको चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्या? तो एक उपाय आप इसमें कर सकते हैं, डेटा को थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं, फिलहाल देखते हैं। हम यहां पे सीरियल नंबर देते हैं और इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं लेन का इसको, और फिर इसको नीचे के तरफ जहां तक डेटा है मेरा वहां तक ड्रैग कर, जैसे मैं देख रहा हूं कि यहां पे देख रहा है ये टाई हो जाएगा ना, सुनील शर्मा 12 डिजिट दिख रहा है ना सर। हेलो सर, तो डिजिट के हिसाब से उठाना प्रॉब्लम हो सकता है, मैं इस पे डेटा तो आएगा बट 100% नहीं आएगा सर। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, पहले डेटा उठा लिया उसके बाद हम वहां पे एक कॉलम ऐड करके उसमें लेफ्ट फॉर्मूला लगा के 91 को सेपरेट कर देंगे। हाँ, इसमें एक काम किया जा सकता है कि मैं यहां से यहां पे ये कर सकता हूं, लेफ्ट का फॉर्मूला यहां से 2 डिजिट अलग कर लेता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं हर मोबाइल नंबर में 91 तो लगा हुआ है, लेकिन अगर नंबर बाहर का हुआ तो दिक्कत हो सकता है, बट चलिए इसमें बाहर का नंबर नहीं है तो फिलहाल इसको उस बात नहीं सोचते, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए ना सर। इसमें इसको हम फिर वापस हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते, वही मेथड जो मैंने आपको मेथड बताया, काउंट इफ और इसमें हम लेते हैं कॉमा, इसको लेते हैं हम B3 को फ्रीज कर देते हैं इसको, और नीचे की तरफ मैं इसको ड्रैग,
सॉरी ड्रैग करने से पहले आपने सही कर दिया, 91 पहला 91 दूसरा 91 तीसरा 91। अब मैं यहाँ पे एक काउंट इफ का फॉर्मूला फिर से लगाता हूँ और काउंट इफ में मैं इसको बोलता हूँ 91 को काउंट करो, तो 9 काउंट कर दिया 1, और वही सीरियल नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ अगर ऊपर वाले में प्लस 1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन है 9 तो यहाँ पे ब्लैंक हो, अदरवाइज उसमें एक इंक्रीज कर दें H2 में सर, इंक्रीज कर दें, और इस पे हमें G1 को फिक्स करना होगा और यहाँ पे हमें इफ एरर का फॉर्मूला लगाना होगा, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। हम क्या करते हैं मैच का फॉर्मूला लगाते हैं, मैच मैंने इस पे एक चीज नहीं किया ना सर, के साथ डैश लगा के 91 को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, ऑटोमेशन 100% नहीं होती है, लेकिन अगर आपका 90% 95% भी ऑटोमेशन हो गया तो उतना तो काम बच जाएगा ना सर। जी सर, मैं यहां पे मैच लगाता हूं इसके साथ डैश में 91 दे देता हूं, अब इसमें लुकअप करते हैं, या सर 5 देखिए पहला 5वें नंबर पे है, तो अभी है जहां मेरा है 5वें नंबर पे है उसे एक पहले पे नेम है ना सर जी, यहां पे इसका क्या बोलते हैं ऑफसेट का कॉमा लगाता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और कॉमा कॉलम नंबर देता हूं 1 2, ये बेसिकली डेट आ रहा है, तो हमें इसमें से मैच के फॉर्मूले में से -1 करेंगे तो आएगा नंबर और -2 करेंगे तो आएगा मोहन सर। तो नीचे ड्रैग करना है तो दो चीजें हैं, एक तो इफ एरर का फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि एरर शो ना हो, और दूसरा ए उनको फिनिश कर देते हैं। तो कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट करता हूं, मोबाइल नंबर के लिए मैं यहां पे -1 करता हूं और डेट के लिए कुछ भी नहीं करता, ओके सर। हाँ सर ठीक, और सर मैं ऐसा भी कर सकते जैसे जे के आगे कॉलम इंसर्ट करके लेफ्ट से यहाँ पे 91 को उठा लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे तो मोबाइल नंबर आ जाएगा हमारे पास 10 डिजिट। हाँ ये तो ठीक है, तो मोबाइल नंबर 91 आ रहा है तो सही है ना सर, यहाँ पे सिर्फ इंडिया का मोबाइल नंबर आएगा, अगर यूके वगैरह का मोबाइल नंबर हुआ तो फिर उठाएगा नहीं सर, ऑटोमेशन तो है बट नॉट 100%, ऑटोमेशन ओनली फॉर द इंडियन मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल नंबर जिसके प्लस प्लस 91 का लगा हुआ, अगर 91 नहीं लगा हुआ है तो वहां भी वर्क नहीं करेगा ये सर, समझे? यस यस यस, हर ऑटोमेशन में कंडीशन तो होती है ना सर, हाँ सर यूनिकनेस होनी चाहिए, बिना यूनिक के। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें इस तरह की ट्रिक्स पे, और आप लोग भी कुछ ट्रिक्स इजाद करें, अगली वीडियोज में हम अगली क्लासेस में हम ट्रिक्स के बारे में, तो ए वीक सिर्फ इसी तरह के ट्रिक फॉर्मूला पे चलेगा, फिर हम सर एक डाउट था मुझे, सपोज एक सेल में दिया हुआ है 3% और 7% और नेक्स्ट मेरे को कैलकुलेट करना है मान लीजिए कि 40 अमाउंट के लिए, देन इज सेम सेल 3% और 7% सेम सेल के अंदर ही 3% है और यहाँ पे 7% है आपका, हाँ और 7% सबसे पहले बात जान लीजिए इस चीज को, आपने इसे आई थिंक ग्रुप में पूछा थे सवाल में जी जी सर, जी सर ग्रुप में,
तो मैंने बोला सैंपल भेजने के लिए, तो मैं समझ रहा था कि 3% अलग अलग सेल्स में, बट एक सेल में है। जी सर, ये एक सेल में है तो क्या है ये? तो अभी एज ए टेक्स्ट होगा ना फिर, तो टेक्स्ट पे कैलकुलेशन हो सकती है? नहीं सर। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको? इसको नंबर में कन्वर्ट करना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जी, तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहले अब 3% एक ही डिजिट में हो सकता है, 10% भी होता है, 20% भी हो सकता है ना सर? जी सर, जी सर। आपको क्या करना होगा? फाइन का फॉर्मूला लगाना होगा। एंड वापस लेफ्ट, क्या सर? जी सर, नंबर में नहीं आया, टेक्स्ट में आ गया। अब आओ वापस जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 3% कर लीजिए। आ गया सर? जी, समझ गए सर। एट ए टाइम 3 और 7% नहीं निकाल सकते क्या? प्लस करना पड़ेगा ना, पहले दोनों को इसको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 7% एक नहीं है ना। इसमें एक काम कर सकते हैं ना, तो सिंपल है सर। इसमें बीच में क्या लगा हुआ है? और लिखा हुआ था, ओ आर, और नहीं लिखा हुआ था। जी, क्योंकि हम लोग को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो मान लीजिए कि केंटकी एक यहाँ पे स्टेट है यूएस में, तो उसमें हर सिटी के लिए कुछ कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, तो बाकी सारे सिटीज के लिए मान लीजिए कि 5%, 7%, 8% था, बट कुछ कुछ सिटीज है जिनके लिए लाइक ऐसे ही दिया हुआ है। मैं वो एक सेल मतलब फॉर्मूला तैयार कर रहा था, तो इसके लिए मेरे को इसमें प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इसमें वो नॉर्मल कर रहा था तो वो वैल्यू एरर दिखा रहा था। तो एक काम करना पड़ेगा आपको सर, इसके लिए दो सेल तैयार करना पड़ेगा। एक जगह पे उसको कॉपी करके आपको करना पड़ेगा कंट्रोल एच, और उसको प्लस और को आपको प्लस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है जी, इसके आगे इक्वल लग जाता है तो 10% हो जाएगा ना। आपको क्या करना होगा? इसके आगे इक्वल का साइन लगाना, इसके इक्वल का साइन लगाना होगा। उसके बाद और टेक्स्ट टू कॉलम फिनिश कर दीजिए। सर अब 10% हो गया ना सर, 50 का 10% निकाल लीजिए, समझे? नहीं नहीं सर, आप सर रिक्वायरमेंट मेरा समझ नहीं रहे। देखिए, इस पर्टिकुलर सिटी के लिए या तो 3% हो सकता है या फिर 7% हो सकता है, मतलब 50 का अमाउंट अगर मेरे को चाहिए तो। मेरे को टोटल नहीं चाहिए उसका, टोटल परसेंट। हाँ तो तब ये तो तरीका बताया ना आपको, इस तरीका से निकाल लीजिए आपको। हाँ, एक चाहिए तो आप 3% पे लेफ्ट से निकाल लीजिए, एक ही चाहिए, कोई एक चाहिए ना आपको सर? जी सर, बस हो गया, फाइन लगाइए, परसेंटेज को फाइन कीजिए, नंबर आ गया, अलग कर लीजिए उसके बाद। सिंपल है, ऐसा होगा ना किसी में 3 चाहिए किसी में 7 चाहिए, अलग अलग चाहिए होगा, ऐसा है सर?
और लगा हुआ था कोई भी जा सकता है, अगर मैं सेवन चाहिए तो फिर लेफ्ट राइट लग जाएगा, वहां राइट करना पड़ेगा, वहां लेफ्ट करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन और था कि सर जैसे कोई टेबल है लाइक जैसे यहाँ पे टेबल बनी है तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बगल में उसके ऑफसेट का फॉर्मूला लगा के वो टेबल सेम एज कर दूं, उसके बाद उसको नेम मैनेजर में डिजिट करके पाइवट टेबल लगाऊं। हाँ तो सर मैं कल लगा रहा था, लगी नहीं सर वो टेबल। तो आप मुझे वो उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, आप कहाँ गलती कर रहे हैं उसका, ये तो बता ही रखा है मैंने आपको एक्सटर्नल पेपर टेबल में, तो बता ही दिया मैंने इसको आपको। हाँ सर मगर लग नहीं रहा ना फॉर्मूला, आपको स्क्रीनशॉट भेजो। तो आप जो लगा रहे हो कहीं पे गलती कर रहे हैं, तो एक बार मुझे जो लगा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे, फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए। ओके कहाँ गलती कर रहे हैं आप। ठीक ठीक सर, मैं हमेशा करता हूँ ना कि जब प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए सर। ठीक है।